हर हर महादेव मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अभी रात्रि के 11:30 बजे हैं और इस वक्त कुछ जरूरी लगा मुझे, तब मैं अभी आप सबके बीच में लाइव हूँ। दुर्गा सोनार जी, जय श्री राम, जय राधे राधे। नरेश यादव जी, राधे राधे। सुनील कुमार जी, अनुज यादव जी, शुक्र भैया, थैंक यू। भोला कुमार यादव जी, गुड भैया। रॉय लहर जी, जियो भैया, आप सबका इस लाइव में स्वागत। और अभी इंडस्ट्री की जो स्थिति, इंडस्ट्री की जो इन्वायरमेंट है, वो सबसे आप सब वाकिफ हैं। और विशेष करके ये लाइव में बड़े भाई साहब खेसारी लाल यादव जी के लिए आया हूँ, क्योंकि जिस तरह की बातें पिछले 2 दिन पहले से लेकर के आज तक घटित हो रही है, ये बातें समझ में नहीं आ रहा कि इसका जड़ कहाँ है और इसकी मंजिल कहाँ है। क्या इन बातों के पीछे कुछ राज है, या जो हम लोग देख पा रहे हैं अभी वही सच्चाई है? मैं कुछ बातों को लेकर के, मैं चूंकि मैंने बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी को मैसेज भी किया है, जो लास्ट में जो 64 जो नंबर है, शुरू में जो 77 से नंबर स्टार्ट होता है, उस नंबर पे मैंने मैसेज भी किया है। और उनसे मैं पर्सनली लेवल पे, जैसे चूंकि होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर किन्हीं और के साथ कॉन्फ्रेंस पे मैं बात करूं तो क्या होता है ना कि आप हृदय की बात खुल करके नहीं कह सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया है कि क्या उनके साथ अभी इस समय जो घटनाएं जो घटित हो रही है उसके संबंध में उनके राय और उनके रास्ते क्या हैं, और हम लोगों से वो किस प्रकार का सपोर्ट चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की बेचैनी उन्होंने, जिस प्रकार का दुख उन्होंने प्रकट किया था कल वाले पोस्ट में, कि वो जो जहरीला इंसान, मोगहिया जवान, चूंकि मगहिया तो उसको कह नहीं सकते, मोगहिया ही वो है, क्योंकि वो छुप छुप करके वो वार करता है, कभी सामने कभी आता नहीं है। तो उस मुद्दे पे क्या हो रहा है, क्या वो करना चाहते हैं, किस लेवल का लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं, और कहां तक उन्हें सपोर्ट या समर्थन की जरूरत है। क्योंकि बात अब सिर्फ खेसारी लाल यादव जी तक नहीं रही, बात खेसारी भैया के पेज से जो पोस्ट किया गया उसमें खेसारी भैया की बेटी और उनकी बीवी की रेप करने की बात तक पोस्ट की गई। तो क्या वो पोस्ट रियल में खेसारी भैया का ही वो शब्द था उस पोस्ट में, या उनके मैनेजर वगैरह कुछ बढ़ा चढ़ा करके पोस्ट की? अब यदि वो पोस्ट का शब्द रियल में खेसारी भैया का था तो फिर खेसारी लाल यादव जी के मुख्यमंत्री से आग्रह के बाद, बिहार प्रशासन से आग्रह के बावजूद 24 घंटे के अंदर
उस जहरीले इंसान की गिरफ्तार करने की आग्रह की गई थी, उसके बावजूद उस जहरीले इंसान की गिरफ्तारी नहीं होना, उसके बाद कहीं ना कहीं खेसारी भैया के टीम का जो हम देख रहे हैं रास्ता, वो डाइवर्टेड नजर आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये जो लड़ाई है, क्या ये साजिशन लड़ाई है या जेन्युइन लड़ाई है। जेन्युइन में खेसारी भैया परेशान हुए हैं या उनकी टीम के द्वारा एक साजिश की जा रही है। बात जहां तक खेसारी लाल यादव की है, बात जहां तक किसी भी यादव कलाकार की है, तो मैं पहले से ही हमेशा मैं बोलता हूं कि सम्मान मैं सबका करता हूं, हर किसी का सम्मान है मेरे नजरों में, लेकिन तब तक सम्मान है जब तक वो हमारा भी सम्मान करे। अगर मेरा सम्मान नहीं भी करता है फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो मेरा तिरस्कार करेगा, अगर वो मुझे बेइज्जत करने की कोशिश करेगा, जलील करने की कोशिश करेगा, तो फिर हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। चाहे वो बेइज्जती खेसारी लाल यादव की हो, चाहे वो बेइज्जती किसी भी नन्हा कलाकार की हो या किसी भी आम इंसान की हो जिनके नाम में यादव जुड़ा हुआ हो। मैं कटु शब्दों में मैं बोलता हूं, मैं भी चाहता तो नमक और तेल लगा करके मैं बोल सकता था कि नहीं ऐसे वैसे ऐसे वैसे, लेकिन मुझे वो सब तेल नमक लगाना नहीं आता। मैं रियल में मैं अहीरों की लड़ाई मैं लड़ना चाहता हूं और अहीरों की लड़ाई मैं लड़ता हूं, हृदय से लड़ता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे बाकी सब जो हैं, जो लोग उनसे मुझे नफरत है, नफरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान की उम्मीद भी करता हूं कि हमारे कुल को, हमारे खानदान को भी अगला सम्मान करे। अगर नहीं सम्मान कर सकता उसके कुल खानदान में, अगर ये नहीं सिखाई गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा तिरस्कार नहीं करे, हमारी बेइज्जती नहीं करे, हमारी माँ बहनों की, हमारी बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ ना करे। यहाँ पे जो मैटर जो आ रहा है कि खेसारी भैया जो शिथिल पड़ते नजर आ रहे हैं, खेसारी भैया से मैं कहना चाहूंगा कि भैया आप हम सबके सीनियर हैं और बड़े भाई हैं। खेसारी लाल यादव का अल्टीमेटम कि 24 घंटा तक या 2 दिन तक उस जहरीले इंसान को गिरफ्तार करना चाहिए, यह आपने आग्रह किया था कि गिरफ्तार करना होगा, इसके बावजूद मैं देख रहा हूं कि बिहार प्रशासन और बिहार सरकार इस मामले में काफी लचीला व्यवहार दिखा रही है, काफी सुस्ती दिखा रही है। इसका मतलब जहां तक मुझे, मेरा निजी विचार है कि या तो बिहार सरकार, बिहार प्रशासन खेसारी लाल यादव जी को गंभीरता से ले नहीं रही है, या तो बिहार सरकार, बिहार प्रशासन कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन जो लड़का है उनके जातीय, उनके राजनीतिक दबाव में घिर चुकी है, बंध चुकी है, दब चुकी है। तो अगर यहां से खेसारी लाल यादव भैया आप अपनी लड़ाई रोकना चाहते हैं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपनी लड़ाई अगर रोकना चाहते हैं बिल्कुल आप रोक सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं एक श्री कृष्ण का वंशज हूं, मैं एक यादव हूं और इस यादव कुल में जन्म लेने का मुझे गर्व है, घमंड है,
मैं अपनी स्वाभिमान, अपनी अभिमान सब कुछ इसी यादव समाज में देखता हूं, और जब यादव समाज की बहन बेटियों को जब कोई रेप करने की बात करे तो भैया खून खौल उठता है। रही बात संविधान की, न्यायपालिका की, कानून की, तो हमारे देश में बाबा भीमराव अंबेडकर की लिखित संविधान हमें भी उतनी ही स्वतंत्रता, हमें भी उतने ही अधिकार प्रदान करती है जितने की उस जहरीले इंसान को प्रदान करती है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार बार बार इस तरह की घटना लगातार हो रही है। चाहे वो बिहार की बात करूं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में भी आप निशा यादव की हत्या जो की गई प्रशासन के द्वारा, ये भी आप देख रहे हैं। तो मैं खेसारी भैया से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बात क्या है, आपकी इस चुप्पी के पीछे राज क्या है, आप इस बात को सामने आकर के जरूर रखिए। आप कमजोर कहां से पड़ रहे हैं? क्या आज अहिर इतना कमजोर हो गया, क्या आज अहिर इतना कमजोर हो गया, या कोई आपकी राजनीति है? अगर आपको लगता है कि अहिर इतना कमजोर हो गया तो फिर पहला सिना संतोष रेणु यादव का होगा उससे मुकाबला करने का। और अगर आप किसी पॉलिटिकल प्रेशर में हैं तब फिर मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, जैसा मैं आपका सम्मान करता था सम्मान करता रहूंगा। लेकिन मैं बार बार मैं आपसे कहूंगा कि बहन बेटी और मां की इज्जत ताक पर रख करके पैसे कमाने का शौक अहिर नहीं रखता है। अहिर हमेशा अपनी मां बहन के साथ साथ दुनिया की मां बहन और बेटियों की रक्षा करने के दौरान अपनी जान की बाजी लगाने का काम किया है। यहां तो हमारी बहन बेटी की बात आ रही है, तो आप कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? दूसरी बात, कहीं इस मुद्दे पे आप ही के टीम के लोग आपको डाइवर्ट तो नहीं कर रहे? हमारे पास लगभग हर एक जिले से कॉल आया है बिहार के, और लगभग 12 स्टेट से कॉल आया है हिंदुस्तान में कि आखिर खेसारी लाल यादव जी बैकफुट पे नजर क्यों आ रहे हैं। खेसारी भैया, आपके टीम के लोग हो सकता है आपको ये बात बोलेंगे कि संतोष रेणु या कुछ लोग जो हैं अहिर के लोग जो हैं वो खेसारी लाल यादव के कंधे पे रख करके बंदूक चलाना चाहते हैं, तो ये अहिर का काम नहीं होता है। वो दोगला होगा जो ऐसा सोच रखता होगा, ऐसी मानसिकता रखता होगा, वो कोई अहिर नहीं हो सकता। और संतोष रेणु यादव ओरिजिनल अहिर है, ओरिजिनल, ये सबकी मान सम्मान की बात सोचता है, चाहे वो किसी जात से हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, मैं सबका सम्मान करता हूं। मैं बार बार मैं बोल रहा हूं, मैं तो खुद निजी जीवन में मैंने अनकास्ट के लोगों को अपनाया है और अनकास्ट के लोग मुझे अपनाए हैं, ये मुझे सौभाग्य मिला है और ये मेरा संस्कार है। दादा श्री कृष्ण के रास्ते पे मैं हमेशा चलने की कोशिश करता हूं, लेकिन यहां पे खेसारी भैया कहीं ना कहीं आपकी जो बैकफुट वाली जो स्टेप है, ये कहीं ना कहीं अहिरों की मान सम्मान और अभिमान को, स्वाभिमान को कमजोर कर रहा है। आप कहां से कमजोर हो रहे हैं
आपको किस बात का डर है आप जरूर बताएं हम लोगों को। आज ईरान इतना कमजोर नहीं पड़ गया पूरे धरती पे कि डरने की जरूरत है आपको। ये सुधीर सिंह उस मौगहिया जानवर को सपोर्ट करने का काम करता है। ये वही सुधीर सिंह ना जो आपके ऊपर अटैक करवाया था आपके कथनानुसार। एक सुधीर सिंह जिस समय आप पे अटैक किया था उस समय बिहार समेत पूरा हिंदुस्तान बंद हुआ था ना। आखिर फिर आपको इन अहिरों पे से विश्वास क्यों उठा? आप बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं? ये अहिरों की मान सम्मान की बात है, आप बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं? और आपने देखा है अहिरों की ताकत को, आपने देखा है। मैं एक छोटा सा नन्हा सा बालक था, मैं तिनका के समान था, एक छोटा सा मैं पौधा था, लेकिन जब हमारी लड़ाई जब शुरू हुई थी तो देश के तमाम हिस्सों से सभी अहिर अपनी अपनी समर्थन दिखाए थे और मेरा मनोबल ऊंचा हुआ था। उसी मनोबल के बदौलत मैं दहाड़ता रहता हूं। फिर आपको अहिरों पे शक कैसे हो गया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप कमजोर कैसे हो गए? अगर आप किसी दबाव में हैं तो बताइए, और अगर नहीं, अगर आप पॉलिटिकल रास्ते को पकड़े हैं तो फिर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं भैया, हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे करके अहिरों की मान सम्मान को कुचलने का काम मत कीजिए, उसको गंदा करने का काम मत कीजिए। मैं आपका सम्मान मैं करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, और समस्त हमारे अहिर भाई आपको सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। आप इस चीज को, हमारी जो द्वंद्वता है, और सिर्फ हमारी द्वंद्वता नहीं है, जहां से भी फोन आ रहा है मुझे वहां से द्वंद्वता ये नजर आ रही है कि संतोष भैया या संतोष जी, ये आखिर खेसारी जी का जो मैटर है इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि खेसारी जी का रास्ता क्या है, आखिर क्या चाहते हैं वो। तो खुल करके भैया सामने आइए, अगर नहीं सामने आ सकते तो आपका भाई आज भी संतोष रेणु यादव खड़ा है, आज भी मैं जिंदा हूं। इन दोगले किस्म के इंसानों का नाक में रस्सी डाल करके, जैसे दादा हमारे श्री कृष्ण काल जो काला नाग था उसको समंदर में जा करके नाच करके नचाए थे उसको, वैसे ही संतोष रेणु यादव अभी भी जिंदा है और इन काला नाग को नकेल में कस करके और पैरों के तले रौंद दूंगा मैं, क्योंकि ओरिजिनल अहिरान हूं, ओरिजिनल, और मुझे अहिरान होने पे मुझे गर्व है और अहिरान पे मैं हमेशा कुर्बान रहता हूं अहिरान के लिए। फिर आपको शक संदेह कहां से आया? आपका जो कदम है वो पीछे क्यों हटा? अगर कदम पीछे नहीं हटा है तो स्पष्ट कीजिए भैया, और अगर स्पष्ट भी नहीं कर सकते तो मैं आपसे यही मैं आग्रह करूंगा कि आइंदा कभी भी इस तरह का अल्टीमेटम दे करके भैया अहिरों का मान सम्मान, अहिरों का स्वाभिमान कमजोर मत कीजिएगा। अगर आप लड़ नहीं सकते तो फिर बेकार में अहिरों को बदनाम मत कराइएगा। बस यही आपसे रिक्वेस्ट थी, हमारी बात आपके टीम में गई है, मेरी बात अखिलेश जी से भी हुई है, लेकिन मैं अखिलेश जी की बातों से मैं संतुष्ट नहीं हूं। जो भी बात अखिलेश जी ने कहा उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं खेसारी भैया, आप जो भी समस्त जो
आपके चाहने वाले, चाहे वो अहीर हों या किसी भी समाज के हों, खेसारी लाल यादव के समर्थक किसी एक कास्ट या एक धर्म से नहीं है। जिस जाति के जो आपके जो गाली देने वाले जो लोग हैं वो जहरीला इंसान है, उस जाति के लोग भी आपके समर्थक हैं और उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन यहां पे जो बात जो आई है, यहां पे बात क्लियर कट नहीं हो पा रहा है कि आखिर आप किस तरफ हैं। तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक मैं हाथ जोड़ करके मैं आग्रह करता हूं खेसारी भैया कि आप अपना स्टेप क्लियर कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। क्योंकि अगर खेसारी लाल यादव जैसे सेलिब्रिटी के लिए अगर बिहार सरकार और बिहार की प्रशासन सुस्त हो जाए, नींद नहीं खोले, और अगर खेसारी लाल यादव जैसा अहीर का बेटा अगर रियल में अगर प्रॉब्लम में है, तो बिहार सरकार और बिहार की प्रशासन को ईंट से ईंट बजाने का ताकत रखता है बिहार का अहीर और समूचे देश का अहीर और खेसारी लाल यादव का प्रशंसक। फिर खेसारी लाल यादव की चुप्पी के पीछे राज क्या है? खेसारी भैया आप इसको स्पष्ट कीजिए। और मैं पुनः में बोल रहा हूं कि आपका जो 77 स्टार्ट में है और लास्ट में 32 जो नंबर है, उस नंबर पे मैंने मैसेज किया है। अगर ये नंबर आपके पास है तो आप उसका जवाब दीजिए, यस या नो, आप अपना जवाब दीजिएगा कि हाँ संतोष ये नंबर मेरे पास है, मैं आपको कॉल करूंगा और कुछ निजी जो बातें हैं वो बातें जरूरी है। क्योंकि बात जब बेटी पे आ जाए, बात जब बहन पे आ जाए, बात जब माँ पे आ जाए, तो फिर ये जिंदगी और ये जवानी जीवित रह जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। अहीर हमेशा मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ा है। दादा श्री कृष्ण द्रौपदी का जब चिरहरण हुआ था, द्रौपदी का चिरहरण होने से उन्होंने बचाया था। हम उस कुल उस खानदान से हैं तो डरने की जरूरत नहीं है भैया, डरने की जरूरत नहीं है। और जो भी बात है आप स्पष्ट कीजिए, और नहीं स्पष्ट कर सकते तो फिर द्वंद में मत रखिए, द्वंद में मत रखिए अहीरों को, क्योंकि बहुत नुकसान होता है इससे। हमारे भाई हमारे शेर अपने अपने सेलिब्रिटी के लिए मर मिटते हैं, लड़ पड़ते हैं, उनका भी सम्मान करने की जरूरत है, उनकी भी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और जो भी लोग जो अहीरान 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 गाना गा करके व्यू पाते हैं, स्टार बनते हैं, और जब बात रियल में जब अहीरान की लड़ाई की जब आ जाती है तो दुम दबा करके पीछे बैठ जाते हैं, मैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर अहीरान के नाम पर अगर स्टार हो, अहीरान स्टार अगर अपने आप को लिखते हो, अहीरान का गाना गा करके अगर व्यू पाते हो, पैसा कमाते हो, तो फिर अहीरों की मान सम्मान की रक्षा के लिए भी अपना सीना और अपनी जुबान हमेशा तैयार रखना, और वरना अहीरान का शब्द मत गाना। क्योंकि तुम जब अहीरान गाते हो ना तो वो गाना सिर्फ और सिर्फ अहीर सुनते हैं, और सिर्फ अहीरों के बदौलत मिलियन और ट्रिलियन में जाता है वो व्यू। तुम्हें लाखों लाख का जो इनकम होता है ना वो सिर्फ अहीरों के वजह से होता है, और उनकी जब मान सम्मान की जब बात आ जाती है, अहीरों पे जब कोई बात आ जाती है तो चूहा बनकर के दुबक जाते हो तुम। ऐसा तुम्हारे करने से हमारे अहीरों का मान सम्मान और उनका स्वाभिमान गिरता है, और ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते।
कुछ नहीं तो कम से कम संगठित रहो ना, मत रहो संतोष रेणु यादव के लिए संगठित, लेकिन कम से कम उस अहिर के लिए संगठित रहो ना। जब अहिर पे जब बात आ जाए उस वक्त तो संगठित रहो। सिर्फ अहिर अहिर गा करके, अहिरान गा करके लड़वा देते हो। तुम्हारे गाने के लिए लड़ पड़ते हैं लोग कि नहीं भाई हमारा शेर का गाना है, हमारे भाई का गाना है, हमारे जात का गाना है। तुम्हारे गाने पे लेकर के गोलियां चल जाती है, लाठियां चल जाती है, लोगों का सर फूट जाता है, लोग अपनी जान गवा बैठते हैं। और जब उस समाज के लिए, उन लोगों के लिए जब खड़ी होने की जरूरत पड़ती है तब दुम दबा करके जा करके छुप जाते हो। तो ये जो घटिया जो चाल चलते हो इससे हमारा समाज कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा में चला जाता है। तो बस हम यही कहना चाहते हैं, संगठित रहिए, संगठित रहिए, क्योंकि अहिर की बेटी की रेप करने की बात करता है, अहिर की बीवी की रेप करने की बात करता है। फिर यहां पे संगठित होने की जरूरत है, चाहे जिस लेवल की लड़ाई हो लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माधव, जय जाधव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, प्रणाम आप सबको। खेसारी भैया, ये जो मेरी जो प्रश्न थे कि द्वंद क्लियर कीजिए, ये प्रश्न हमारी सिर्फ अकेली नहीं है, बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लोगों का कॉल आ रहा है। वो लाइव नहीं आ सकते, उनका आदेश था संतोष रेणु जी आप लाइव आकर के ये क्लियर करवाइए कि आखिर हो कह रहा है, क्योंकि ये बहुत बहुत बेइज्जती की बात है अहिरों के लिए। उम्मीद करता हूं कल तक ये द्वंद क्लियर हो जाए। और भैया आप कमजोर मत समझिए अपने आप को, ये वही संतोष रेणु है ना, आज भी जीवित है ना, अब तो और मजबूत हो गया हूं, ये वही संतोष रेणु है। जब सुधीर सिंह का जब मैटर जब हुआ था आपके साथ में तो क्या हुआ था ये दुनिया जानती है, और इस बार तो हमारी बेटी और हमारी भाभी, हमारी मां स्वरूप भाभी की ये ऊपर बात आ गई है, चुप नहीं बैठ सकते, बशर्ते कि आप अपना कदम क्लियर कीजिए कि आप क्या चाहते हैं, और बिल्कुल कानूनी तरीके से लड़ेंगे, बिल्कुल कानूनी तरीके से संविधान का पालन करते हुए। जय हिंद, जय भारत, पुनः जय जाधव, जय माधव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, प्रणाम आप सबको। संगठित रहिएगा आप सब, क्योंकि आप सबके बदौलत ही संतोष रेणु यादव है या कोई भी है। जय हो, प्रणाम।